बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा वीडियो सीवी है वेबसाइट इलस्ट्रेटिव लर्निंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग के लिए। और मेरा नाम डॉक्टर हाशिम अली है और मैं करंटली पोस्ट डॉक कर रहा हूँ उपसाला यूनिवर्सिटी स्वीडन से। मेरा ताल्लुक़ जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान से है। और मैं इस वीडियो सीवी के थ्रू अपने बारे में अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, अपना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, बैकग्राउंड एजुकेशन देना चाहूँगा, अपनी इंटरेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स बताना चाहूँगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे इस वेबसाइट पे आने का मकसद क्या है। तो सबसे पहले तो मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करूँगा। मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि मैं स्कूल या कॉलेज लेवल पर टीचिंग करना चाहता हूँ। ये मेरे लिए एक नौकरी भी होगी, ये मेरे लिए एक मेरी फेवरेट हॉबी भी है, मेरे लिए बहुत अच्छा वक्त गुजारने का ज़रिया भी है, और ये एक ऐसा काम है जिसको जिसमें मुझे बहुत पैशनेटली मैं करना चाहता हूँ, जिसमें मुझे बहुत मज़ा भी आता है। तो पहली वजह तो ये है कि इसी वजह से मैं कॉलेज स्कूल लेवल पे टीचिंग करना चाहता हूँ। दूसरा, मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। पिछले तकरीबन 10 सालों से मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग से मेरा ताल्लुक़ रहा है। तो वो जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो टीचिंग मैंने सीखी है, उससे जो एक्सपीरियंस मुझे आया है, वो मैं कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स को मुंतकिल करना चाहता हूँ। और पढ़ाने के इसके अलावा साइंटिफिक टॉपिक्स मैंने बहुत ज़्यादा प्रेजेंट किए हैं, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं जिनको कि मैं कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट्स मैं मुंतकिल वो करना चाहूँगा। और अगर मैं यूनिवर्सिटी लेवल की टीचिंग को कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स पे मुंतकिल करने में कामयाब हो जाता हूँ, तो इससे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन भी बढ़ेगा, और मेरा ख्याल है कि आप लोगों के स्कोरिंग एबिलिटी पे भी इसका असर नहीं पड़ेगा। आप लोग अच्छे स्कोर्स भी ले सकते हैं और चीज़ समझ भी सकते हैं। अगर टीचर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि इससे टीचिंग स्टैंडर्ड्स भी इम्प्रूव होंगे, और बल्कि एक टोटल डायनेमिक शिफ्ट है ये टीचिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। स्कूल्स और कॉलेजेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी, और ख़ास तौर पे जो मेरा मेजर एतराज़ है वो ये है कि स्कूल और कॉलेज लेवल पे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। जिस तरह के पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, जिस तरह के प्रेजेंटेशंस हैं, जिस तरह टॉपिक्स को हम डिस्कस करना चाहें, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम है। मेरा ख्याल ये है कि मैं ये चीज़ें कॉलेज और स्कूल लेवल पे ट्रांसफ़र करना चाहूँगा। इसके अलावा मैं फ़िज़िकली चैलेंज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स के लिए भी काम करना चाहता हूँ। ऐसे लोग जो कि माजूर हैं किसी वजह से और उनको तालीम के बेहतरीन मौके हासिल नहीं हो रहे, मेरा ख्याल है कि मेरे लेक्चर्स के थ्रू उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब अगर आप मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर बात करें, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 10 सालों से किसी ना किसी लिहाज से टीचिंग से मैं वाबस्ता रहा हूँ। तो सबसे पहले जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की, तो वो मैंने 2006-2007 में गुलाम साखान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी टोपी सवाबी खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान, वहाँ पे मैंने एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम किया एक साल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए चला गया। मास्टर्स के बाद वापस मैं पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान आके मैंने 2009-2010 में कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में एज अ लेक्चरर काम किया डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज में। और डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज में काम करने के बाद मैं पीएचडी के लिए केटीएच स्टॉकहोम शिफ्ट हो गया, और वहाँ पर मैंने अपनी पीएचडी की 5 साल के लिए। और उन 5 साल के दौरान मैं टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे भी काम करता रहा हूँ रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी KTH में, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर। और बहुत से कोर्सेज मैंने अपने सुपरवाइज़र लाश आरविस्ताद साहब को असिस्ट भी किया है। और उसके बाद करंटली मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ और ऑर्गेनाइज़र रहा हूँ डिफरेंट कोर्सेज के लिए उपसाला यूनिवर्सिटी स्वीडन में। और मेरा जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे वो है डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, यहाँ पे एक जगह है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी सेंटर में, उसमें इस वक्त काम कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ भी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ भी।
इसके अलावा मैं अब बात करना चाहूँगा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं अपनी डिग्री बताना चाहूँगा। पीएचडी की डिग्री जो है मैंने वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की जो डिग्री है वो मैंने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर की है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड कम्युनिकेशन CSC KTH से, कुंडलिका टेक्निक स्कॉलन जिसको आप इंग्लिश में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये स्टॉकहोम में है और बहुत खूबसूरत शहर है, कैपिटल है स्वीडन का। अगर आप स्टॉकहोम, अगर आप KTH की बिल्डिंग देखना चाहते हैं तो ये KTH की मेन बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी जगह है। गर्मियों की तस्वीर है क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, खूबसूरत जगह है। और इसके बाद अगर आप मेरा डिपार्टमेंट देखना चाहें तो अगेन जो मेरा डिपार्टमेंट है CSC का, वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत वेल मेंटेन्ड है। और जो मेरी लैब थी वो यहाँ से थोड़ी दूर थी, सोलना में, स्टॉकहोम में ही एक दूसरी जगह है, वहाँ पे कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, वहाँ उसके अंदर ये वाक़े है। और कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट साइंस पार्क के अंदर हमारी लैब है, साइलाइफ लैब, जो आप राइट साइड पे दो बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये इस इनके अंदर साइलाइफ लैब वाक़े है। और लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। इसके बाद मैं अपनी मास्टर्स के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। मैंने मास्टर्स किया है योतेबोरे स्वीडन से, शार्मर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। और ये आप मेरी डिग्री देख सकते हैं जो मैंने 2007 से 2009 के दरमियान शार्मर्स यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। यहाँ पे मेरा मेजर्स जो था वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड सिस्टम बायोलॉजी था। और जो मेरी पीएचडी और जो मेरी मास्टर्स की डिग्री है वो दोनों मैंने दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में से हासिल की है। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा शालमर्स के बारे में बताना चाहूँगा। शालमर्स भी बहुत खूबसूरत जगह है। लेफ़्ट साइड पे आप इसकी एंट्रेंस देख रहे हैं, राइट साइड पे जो है इसका लेंडहोलमेंस कैंपस है जो कि दरिया के किनारे वाक़े है। अगेन बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, खूबसूरत जगह है, साफ़ सुथरा शहर है। मेरा जो डिपार्टमेंट था मैथमेटिकल साइंसेस का शालमर्स में, ये उसकी दो तस्वीरें हैं, दोनों फ्रंट की एंट्रेंस की हैं। एक थोड़ी जूम्ड इन है, एक थोड़ा सा जूम आउट हुआ हुआ है पूरी बिल्डिंग का। तो यहाँ पे मैंने 2 साल स्पेंड किए थे ड्यूरिंग माय मास्टर्स। इसके बाद अगर आप मेरे बैचलर्स की बात करें तो मैंने बैचलर्स किया है गुलाम ए साखान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जी की सवापी टोपी से। और 4 साल मैंने कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में गुजारे हैं। और अगेन यहाँ पे आप मेरा डिग्री सर्टिफिकेट देख सकते हैं। और टोपी जो है बहुत खूबसूरत जगह है, कम से कम जहाँ जी की वाक़े हैं, तरबिला डैम के बिल्कुल साथ। लेफ्ट साइड पे आप इसका एंट्रेंस गेट देख सकते हैं, राइट साइड पे जो है हमारा ऑडिटोरियम जहाँ पे हमें डिग्री मिली। और पीछे बैकग्राउंड में आपको लाइब्रेरी नज़र आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा वैसे ही बहुत खूबसूरत है मेरा ख्याल है। और रिसेंटली जो इन्होंने दरख्तों का काम किया है, करवाया है इमरान ख़ान साहब ने, उसके बाद मेरा ख्याल है कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लग गए होंगे। तो गुलाम एसा खान इंस्टीट्यूट के बाद मेरा ख्याल है कि मैं आपसे अपनी फैकल्टी का भी आपको दिखा दूँ फ्रंट व्यू। मेरी फैकल्टी कंप्यूटर साइंस की थी जो कि इस बिल्डिंग में वाकई है, काफ़ी मॉडर्न बिल्डिंग है और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। इसके बाद अगर मैं अपनी FSC की बात करूं तो मैंने FSC की है FG सर सैद कॉलेज दमाल रावलपिंडी से। मेरा प्री इंजीनियरिंग ग्रुप था। और यह आप मेरा FSC का मार्कशीट और सर्टिफिकेट देख सकते हैं। सर सैद कॉलेज जो है वो भी काफ़ी खूबसूरत है और ये 2002 के लगभग की तस्वीर है क्योंकि जो आप लेफ़्ट साइड पे एंट्रेंस देख रहे हैं मेरा ख्याल है कि फोर्टिफाइड हो चुकी है सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के दो खूबसूरत और अच्छे साल यहाँ पे अपनी FSC के दौरान गुजारे हैं। इसके बाद अगर आप मेरे मैट्रिक की बात करें तो मैंने मैट्रिक या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो है वो साइंस ग्रुप में लिया, PF कैडेट कॉलेज सरगोधा से। ये मेरी मार्कशीट आप देख सकते हैं, अगेन काफ़ी अच्छे नंबर थे। और मैंने जो मैट्रिक किया है वो PF कैडेट कॉलेज से किया जो कि बहुत खूबसूरत जगह है। और ये उसका एंट्रेंस है जो आप देख रहे हैं। अब इसका नाम इन्होंने अलबत्ता तब्दील करके PF पब्लिक स्कूल सरगोधा कर दिया।
इसके बाद मेरा ख्याल है मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं ऑफ कोर्स मैं रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम करता रहा हूँ, तो रिसर्च की प्रोफाइल आप ये मेरी देख रहे हैं। आप लेटेस्ट रिसर्च मेरे बारे में अगर जानना चाहें तो आप गूगल स्कॉलर पे मेरी प्रोफाइल को विज़िट भी कर सकते हैं। नाम ढूंढिएगा राजा हाशिम अली, और आपको इस तस्वीर के साथ ही गालिबन मैं यहाँ वहाँ पर मिल भी जाऊँगा। तो मैंने साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन ये है मेरी कि मैंने 11 डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं, जिसमें मेरे मास्टर थीसिस भी शामिल हैं, और दीगर भी मैंने कुछ जनरल लेवल पे भी पेपर्स पब्लिश किए हैं, और कॉन्फ्रेंसेस में भी मैं काफ़ी पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। तो मेरे जो है काफ़ी डाइवर्स इन रिसर्च प्रोफाइल है, उम्मीद है आपको वो भी देख के मज़ा आएगा। इसके बाद अगर आप बात करें कि मुझे किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, तो जो कि मैं FSC और मैट्रिक लेवल पे एट द मोमेंट पढ़ाऊँगा, उनकी मैं वीडियो स्लाइड्स और लेक्चर्स और चीज़ें बनाऊँगा। तो मुझे सबसे पहले तो मैं केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू से ही बहुत पसंद थी, उसमें वो एक नेचुरली मुझे आती है, और मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स को मुझसे पढ़ने में मज़ा भी बहुत आएगा। इसके बाद मैं ऑफ कोर्स मेरे अपने बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स हैं मेरे, जो कि मैंने बायोलॉजी पढ़ी है आफ्टर माय बैचलर्स, काफ़ी डिटेल्ड में पढ़ी है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं आपको भी अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ। इसके अलावा मैं ज़ाहिर है कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मैं पढ़ता रहा हूँ अपने बैचलर्स और बैचलर्स के बाद भी, तो वो ऑफ कोर्स एक ऑटोमेटिक चॉइस थी मेरे लिए। और फिर मैं इसके अलावा मैथ्स में भी काम करना चाहूँगा, क्योंकि मैथ्स जो है वो मदर ऑफ ऑल साइंसेज है, कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है मेरे लिए। बेसिक था कि अगर मैंने कंप्यूटर साइंस सीखनी थी तो मुझे पहले मैथमेटिक्स में को मास्टर्स करना था, तो मैथमेटिक्स इसलिए मुझे मेरे फिंगर टिप्स पे मेरे ख्याल है, और मैं वो आपको भी वो मैथ्स ट्रांसफ़र करवाना चाहूँगा। तो फाइनली अपने वीडियो CV के एंड पे मैं स्टूडेंट से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे ये उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप अपनी स्टडीज़ को इन्जॉय करें, कोशिश करें कि आप नॉलेज गेन करें और अच्छे ग्रेड्स भी लें, और उम्मीद है कि मैं इसमें आपको मेरे लेक्चर्स वीडियोस आपको मददगार साबित होंगे। ये कुछ तस्वीरें हैं जिन पे आप गौर ज़रूर करिएगा, हर तस्वीर जो है वो एक जोक है, एक कहानी सुना रही है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस जोक को समझेंगे भी, और अगर समझ नहीं भी आई तो घबराइएगा मत। उम्मीद है कि मेरे लेक्चर्स देखने के बाद जब आप दोबारा इन जोक्स पे आएंगे तो ये आपको ज़रूर बआसानी समझ आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।